और जो मैंने फोटोग्राफ्स या वीडियोस देखे हैं, शायद मैं सच्चाई नहीं जान पाता। पॉलिटिक्स में कभी आप सत्ता में रहते हैं, कभी सत्ता से बाहर चले जाते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, ये देख करके जो लोग सरकार में हैं उन्हें सादगी रखनी चाहिए, दूसरे लोगों के सुनना चाहिए, दूसरे लोगों की जान नहीं लेनी चाहिए। जो तस्वीरें और जो वीडियो देखने को मिल रहा है कि जब से सरकार में आए हैं कि उन्होंने दूसरे लोग जो पॉलिटिकल लोग हैं उनके साथ अन्याय करना शुरू किया है, जान लेना, खुली सड़कों पर मारना, उनकी प्रॉपर्टी का नुकसान पहुंचाना, और अगर उनसे जुड़े हुए लोग हैं उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करना, झूठे मुकदमे लगाना। जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, जो इलेक्टेड मेंबर्स रहे हैं, उन पे भी जानलेवा हमला करना, ये कहीं भी स्वस्थ लोकतंत्र में और स्वस्थ लोकतंत्र का परिचय नहीं हो सकता है। ये सही है कि कल तक जगन जी मुख्यमंत्री थे, आज वो मुख्यमंत्री हैं, ये जरूरी नहीं है कि कल वो मुख्यमंत्री रहें और कल जगन मुख्यमंत्री ना बन जाएं। और बुलडोजर का जो कल्चर डेमोक्रेसी में आया है, हम समाजवादी लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। आखिरकार सरकार ये कर करके क्या मैसेज देना चाहती है? सरकार क्या डराना चाहती है? लोग खुशी से जुड़े, डर के ना जुड़े। लोकतंत्र की जीत तभी होगी या अच्छा मुख्यमंत्री वही माना जाएगा जो डराए नहीं। और जो डराने वाले लोग हैं वो बहुत दिन सत्ता में नहीं रहते हैं, डराने वाले लोग सत्ता से बाहर जाते हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जगन और उनके पार्टी के वर्कर्स के, जो हिम्मत से, जो इन कठिन परिस्थितियों में भी, जो इन कठिन परिस्थितियों में भी अपने नेता के साथ हैं। और मैं देख रहा हूं कि जगन जहां नेता हैं, लेकिन वो अपने वर्कर के बीच में हैं। जो नेता वर्कर रहता है वो नेता हमेशा बना रहता है। आज वर्कर्स के लिए लड़ रहे हैं, यही वर्कर्स हैं जो कल आपको लड़ करके वहां पर दोबारा पहुंचाएंगे। थैंक यू। सर, इसके अलावा कल जिस तरह से बजट पेश हुआ उसमें इंडिया